ऐसा लग रहा है जैसे कि बिग बॉस सीजन 14 की जो दुश्मनी थी वो फाइनली अब सुलझ चुकी है, सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि अभिनव से लेकर राहुल से लेकर रुबीना, ये तीनों के बीच में जो कुछ गड़बड़ थी वो सॉर्ट आउट हुई है, और जिसका प्रमाण आज खुद रुबीना ने दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रुबीना का रिएक्शन आया है राहुल की शादी को लेकर। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आरकेवी और आरकेवी की इस शादी को लेकर। जी हां, आज के दिन राहुल ने दिशा को अपनी दुल्हनिया बना लिया और दुल्हनिया बना के वो अपने घर ले आए हैं। बताना चाहता हूं दोस्तों, तो राहुल का अच्छा खासा भी तो रिसेप्शन चल रहा होगा, शादी तो दिन में हो ही गई है दोस्तों, क्योंकि मराठी शादी में दिन में होती है ज्यादातर, और राहुल की शादी भी हो गई है, फुटेजेस भी आपने देख लिए हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बोलती है रुबीना दिलैक। स्वागत है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं राहुल घोष के नाम से हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर रुबीना दिलैक जो है वो कहती है विश द कपल लव एंड लॉन्जिटिविटी। जी हाँ, एलिगोनी ने पोस्ट किया और इसी पोस्ट पर दोस्तों रुबीना ने इस तरीके से रिएक्शन दिया है। बता दूं तो राहुल की वैसे भी रुबीना और अभिनव से जो नहीं बन रही थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गई है। अभिनव के साथ तो अच्छा खासा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में शॉपिंग वॉपिंग करी है और राहुल की काफी फोटोज निकाली हैं और प्लस वीडियोस बनाई और बहुत सारी चीजें करी हैं। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो रुबीना दिलैक भी अब जो है राहुल को सारी चीजें भुला भुलू के, राहुल के साथ जो उनकी थी दुश्मनी और वो सब भुला के जो है आगे आई और उनको और दिशा को ढेर सारे प्यार और जो है विश किया है, प्यार और साथ ही साथ लॉन्जिटिविटी के लिए। सो दोस्तों, इस पर आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस, मुझे इजाजत है आप।